नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल हिंदी वेब पोर्टल पर। दोस्तों, आज मैं आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री की उभरती और खूबसूरत अदाकारा निधि अग्रवाल के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं, जो शायद आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, अगर आप निधि अग्रवाल के फैन हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की उभरती और खूबसूरत अदाकारा निधि अग्रवाल का जन्म 17 मार्च 1993 को हैदराबाद में हुआ था। इनकी हाइट 5 फीट 7 इंच और वजन 55 किलोग्राम है। दोस्तों, 2021 के अनुसार इनकी एज 28 वर्ष हो गई है। दोस्तों, बात करें इनकी फैमिली के बारे में तो दोस्तों इनके पापा माँ के अलावा ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। इनके पिता राजेश अग्रवाल जो एक कराटे चैंपियन है, और इनकी माता इंदु अग्रवाल के नाम से जानी जाती है। निधि अग्रवाल एक मॉडल, अभिनेत्री और डांसर है। माता इंदु अग्रवाल और पिता राजेश अग्रवाल के लाड प्यार में पली और बड़ी हुई निधि एक बेहद खूबसूरत भारतीय अभिनेत्री है, जिसका अभिनय जादू आज भी हिंदी फिल्मों में बरकरार है। दोस्तों, बात करें निधि अग्रवाल की पढ़ाई की तो दोस्तों इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई बेंगलोर के विद्याशिल्प एकेडमी जकूर से प्राप्त की थी, और कॉलेज की शिक्षा बेंगलोर के प्रेस्टीज चर्च यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ग्रेजुएशन इन बिजनेस मैनेजमेंट की पदवी प्राप्त की थी। निधि ने अपनी शिक्षा के साथ साथ ही डांस की शिक्षा भी ली थी। दोस्तों, बात करें इनकी शादी की तो दोस्तों निधि की अभी तक शादी नहीं हुई है। वर्तमान में ये किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले इनका नाम भारतीय क्रिकेटर KL राहुल के साथ जोड़ा गया था। दोस्तों, बात करें निधि के कार कलेक्शन की तो दोस्तों इनके पास लग्जरी कारों में शुमार पर्पज कैनन बीस्ट कार है, जो 1,93,00,000 रुपये की है। इनके पास एक और कार मर्सिडीज 350D है, जो 77,23,000 रुपये की है। दोस्तों, अब बात करते हैं निधि के नेटवर्थ की तो दोस्तों निधि अग्रवाल अपने दम पर करोड़पति बनी है, और आपको बता दें इनकी कुल संपत्ति करीब 15 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इनकी कमाई का प्रमुख स्रोत ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, पैड प्रमोशन और टीवी विज्ञापन है। यह एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं निधि अग्रवाल के करियर की तो दोस्तों निधि ने अपने करियर की शुरुआत साल 2017 में निर्देशक शबीर खान द्वारा फिल्माई गई फिल्म मुन्ना माइकल में टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म में इनको 300 उम्मीदवारों में से चुना गया था। इस फिल्म में इनकी फिल्मी जगत में पहचान बनी, और 2018 में निधि अग्रवाल ने सव्यसाची तेलुगु फिल्म में काम किया, जो सुपरहिट रही। इसके अलावा निधि साउथ फिल्म में मिस्टर मजनू भूमि और आई स्मार्ट शंकर जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी है। अभी 2021 की साउथ फिल्म इसरान फिल्म से इन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं निधि अग्रवाल के बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में तो दोस्तों निधि 2 साल से ही बेंगलुरु से मुंबई शहर में आई थी। उस वक्त के बाद हुआ इसके इंटरव्यू का सफ़र, और मुन्ना माइकल फिल्म में उनको मौका मिला था। इनको बचपन से अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश थी। अपने बाल्यकाल से ही डांस की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। इसने खेल कूद और स्कूल के प्रोग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी ब्यूटीफुल साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वेब पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में पास में बने बेल आइकन बटन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।